नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। नैनीताल के लाल कुआं में भाजपा नेता दीपेंद्र सिंह ने जनसंपर्क किया। लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के युवा भाजपा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी ने आज बिंदुखत्ता क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की जनसमस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। यहां लाल कुआं के बिंदुखत्ता क्षेत्र के रावत नगर प्रथम पहुंचे युवा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी का लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं जनसंपर्क के दौरान रावत नगर प्रथम में बैठक आयोजित की गई, जिसमें दीपेंद्र सिंह कोश्यारी ने ग्रामीणों को भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराते हुए उनका अधिक से अधिक लाभ उठाने की बात कही। साथ ही क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन भी दिया। इधर ग्रामीणों ने पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार आदि समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिस पर कोश्यारी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर दूर करने का भरोसा दिलाया। संजीव सिंह की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वैसे तो पिछले 5 साल में कई कार्य किए गए हैं, योजनाएं भी इतनी आई गई हैं कि सारी योजनाएं आज धरातल पर पब्लिक को मिल रही हैं। तो उसी प्रकार आज मैं रावत नगर में आया था, यहाँ पे जनता के द्वारा मेरे जनसंपर्क चल रहा है। यहाँ मैंने समस्या सुनने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ सभी संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जनता द्वारा पूरा समर्थन मिल रहा है और इसका निष्कर्ष यह देखेंगे हम अगले 2022 में कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिलने जा रही है। देखिए, कांग्रेस के बारे में सबको सब कुछ जानते हैं, कांग्रेस के बारे में मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं अभी इतना बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा कि अभी मेरे जनता द्वारा जितना भी मेरे सबको जनता के साथ घूमने का मौका मिल रहा है, जितना मेरे को उनसे बात करने का मौका मिल रहा है, हमारे यशस्वी ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से लोग बहुत खुश हैं और उनके नेतृत्व में लोग तैयारी में लग चुके हैं। सभी लोग उनको अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं और उन्हें बिल्कुल अगले चुनाव में भारी बहुमत से विजय मिलने वाली है। अब की बार 60 पार बिल्कुल होने जा रहा है और हो सकता है 60 के 65 पार भी हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्य हैं वो सिर्फ राज्य नहीं, पूरे देश स्तर पर सभी लोग देखते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से कार्य करती है। और वैसे भी हमारे उत्तराखंड में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को लोगों द्वारा बहुत प्रेम दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा पुष्कर सिंह धामी जी से लोग बहुत इस वक्त संतुष्ट हैं। उनके कार्यों की प्रणाली जो है, उनके कार्य जो भी वो कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी सुबह से शाम जनता के बीच में वो हैं, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, उससे लोग 100% संतुष्ट हैं और उसी का ये फैसला अगले वर्ष 2022 में चुनाव में वो देंगे। आम आदमी पार्टी भी है, किस प्रकार से देखते हैं आम आदमी पार्टी की तैयारी को लेकर? आम आदमी पार्टी को मैं देख नहीं रहा हूँ, आम आदमी पार्टी मुझे दिख भी नहीं रही, कहीं दिख भी नहीं रही उत्तराखंड में। अब आम आदमी को ठीक है, हक है, सब चुनावी वर्ष है, कई पार्टियाँ बनती हैं, कई छोटे मोटी पार्टियाँ भी बनती हैं, आम आदमी भी उनमें से एक होगी, निर्दलीय भी कई लोग होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आगे इस वक्त कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। युवा मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री द्वारा अभी 4-4.5 का कार्यकाल रहा है, लेकिन उसी बीच में उन्होंने पूरे उत्तराखंड के लगभग, मेरे को लगता है उनका दूसरा तीसरी बार दौरा शुरू हो चुका है। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको जनता के बीच में आना पसंद है, जो एक ऐसा मुख्यमंत्री जो ये नहीं कह रहा है कि आपको मेरे द्वार आने की ज़रूरत है, वो खुद आपके द्वार आ रहे हैं, वो खुद जनता के द्वार जाके उनकी समस्या सुन रहे हैं और हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हर जगह वो पहुँचे हैं, हल्द्वानी यहाँ तो आसपास लगातार उनका आना जाना रहता है, लाल कुआं बहुत जल्दी लाएंगे, अभी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनको यहाँ पर उनकी जल्द से जल्द कोई सभा करी जाए।